हे यो यूट्यूब फैमिली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई साहब, आप लोगों ने ना मोटो ब्लॉगिंग को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और वो देख के मुझे ऐसा इंस्पिरेशन हो रहा है कि बार बार मैं जाऊँ मोटो ब्लॉग करूँ। लेकिन अभी के फिलहाल के कंडीशंस लोनावला खंडाला के थोड़े क्रिटिकल है। तो हुआ ये है कि लास्ट एक दो दिन पहले ही खंडाला में पॉजिटिव केस मिला है और उसके चलते वहाँ का थोड़ा सा एरिया सील किया है। लोनावला और खंडाला बहुत ज़्यादा पास पास में, और कारला में भी डिटेक्ट किया गया है पॉजिटिव केस। तो लोनावला अभी सेंटर में, तो इट्स बेटर अगर आप लोग खंडाला और लोनावला में से कहीं भी से भी देख रहे हो तो टेक केयर, बाहर मत निकलो ज़्यादा यार। वैसे अपने जो ब्लॉग्स है वो काफ़ी ज़्यादा दूर दूर तक पहुँचने लगे, मतलब कोलकाता, राजस्थान, यहाँ से भी लोग कमेंट कर रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोग कहाँ से भी देख रहे हो, लोनावला से हो गया, खंडाला से हो गया, कहीं से भी देख रहे हो, प्लीज़ कमेंट में मेंशन करो कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि नेक्स्ट ब्लॉग आएगा, मतलब ये ब्लॉग होगा इम्यूनिटी पे, लेकिन ये ब्लॉग नहीं होगा इम्यूनिटी पे। इससे जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा वो पक्का होगा इम्यूनिटी पे, प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। जैसे क्लाइमेट देख के तो लग रहा है कि बारिश होगी, क्योंकि सुबह सुबह मतलब 7-8 बजे तो ऐसा बादल छाए हुए थे ना कि लग रहा था अब भी बारिश हो जाएगी, लेकिन वापस से धूप के लिए तो बोल नहीं सकते। कल शायद मुंबई में बारिश हुई है, तो यहाँ पे भी हो सकती है, जल्दी ही होगी। वैसे आज हमारा रिजल्ट मतलब फाइनल डिसीजन आने वाला है। फाइनल डिसीजन यानी कि जो लास्ट ईयर के लास्ट सेम के बच्चों के एग्ज़ाम है, मतलब हम लोग इंजीनियर हो गए, जो भी हो गए, लास्ट ईयर में लास्ट सेम की जो एग्ज़ाम है वो लोग, उसके पीछे काफ़ी सारा झंझट चालू था। बोल रहे थे एग्ज़ाम लेंगे नहीं लेंगे, ये सब में कन्फ्यूजन बहुत चालू है। तो आज फाइनल डिसीजन आने वाला है, देखते क्या आता है। अभी एग्ज़ाम बोले कि अगर लेंगे तो क्या है, लेनी तो पड़ेगी, लेकिन कैसे लेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग लेंगे, लेकिन काफ़ी सारे लोग तो बाहर से भी आएंगे, तो ये सब कुछ बहुत कन्फ्यूजन है। वैसे तो हमें बहुत सारे असाइनमेंट्स दिए गए, इस पर तो मैं रोस्ट बनाऊँगा बाद में, एक बार सिर्फ एग्ज़ाम कैंसिल होने दो। तो आज आएगा फाइनल डिसीजन, देखते हैं, प्रे तो कर रहा हो कि कैंसिल हो जाए। तो भाई साहब, हमारे यहाँ पे हो रही है टनल के लिए ब्लास्टिंग, और अभी एक सायरन दिया है, सुबह के बज रहे कुछ 9:15 हो रहे हैं और एक सायरन हो चुका है। अभी 2 सायरन और देंगे और फिर होगा ब्लास्ट, देखना कितने ज़ोर से झटका बैठता है। 2 जगह पे हो रही है, मतलब एक तो ये साइड पे और एक ये जो यहाँ पे पहाड़ दिख रहा है ना, वहाँ पे हो रही है। तो ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब कम से कम 1 किलोमीटर तक होगा डिस्टेंस, देखते हैं। अभी दिखा तो मैं आप लोगों, और उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी दिखा दो। ये हो गया 2nd, इसके बाद होगा 3rd सायरन, फिर ब्लास्ट करेंगे, उसके बाद एक और सायरन होता है, मतलब वो उनके लिए। काफ़ी सारे घरों को नुकसान हुआ है इस चीज़ से, मतलब हमारे घर में क्या क्या चीज़ें हुई है वो दिखाता हूँ मैं। ये हो गया 3rd सायरन, अब होगा ब्लास्ट, सुनना सिर्फ। आज तो काफ़ी स्लो है, रोज़ इससे भी ज़्यादा, मतलब डबल बोल सकते हो, इतना ज़ोर से होता है। और अभी इसके कॉन्सिक्वेंसेस दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये हमारे घर की दीवार है, मतलब बाहर वाली, बाउंड्री वाली, और उसमें इतना बड़ा क्रैक है, आप लोग लिटरली इसके आर पार देख सकते हो। अभी यहाँ दिखा ऐसे, ये तो बस एक दिखा है मैंने, ऐसे कई सारे घरों को क्रैक्स घिरे हैं। और मतलब बोल रहे वो लोग कि इसकी भरपाई देंगे, लेकिन पता नहीं कैसे देंगे वो लोग भरपाई, और कैसे इतने सारे घरों को चेक करेंगे। देखो ये पूरा एरिया है, इससे भी ज़्यादा, मतलब वो जिस पहाड़ पे हो रहा है ना, वहाँ पे भी काफ़ी बस्ती है, तो वहाँ का कैसे करेंगे, डोंट नो। नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं ना, तो ऐसी चीज़ें होती है। अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो, ये सामने जो पहाड़ दिख रहा है ना, इसके वो साइड में हो रही है ब्लास्टिंग, वहाँ से सारा माल लेके यहाँ से जाते। ये जो छोटा रोड दिख रहा है कि आप लोगों को, एक मिनट जूम करता हूँ मैं, हाँ ये जो रोड दिख रहा है ना, ये भी उन्होंने ही बनाया, सर्विस रोड। इसके बाद में यहाँ पे ये जो पहाड़ दिख रहे हैं ना छोटे छोटे, ये सब उसी का सब निकला हुआ, सब वहाँ पे डंप कर रहे हैं लोग। अब देखो ये चीज़ अच्छी भी है, ये चीज़ बुरी भी है। अगर वो लोग कॉन्सिक्वेंसेस भर के दे रहे हैं, मतलब ये क्रैक्स वगैरह की भरपाई दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं दे रहे तो फिर ये बुरा है, क्योंकि चलो हम थोड़े बहुत अच्छे हैं, मतलब हम लोग की फैमिली भी मिडिल क्लास लोग अच्छे हैं, मतलब वो लोग कर सकते हैं कुछ ना कुछ जुगाड़। लेकिन जिनके घर एकदम ही मिट्टी के बने हैं, या फिर जैसे के तैसे वो लोग शेड बांध के कैसे भी जी रहे, उनका क्या, उनको थोड़ी ना भरपाई देंगे, या फिर उनको कैसे भरपाई मिलेगी।
अभी तो वैसे भी ना, अभी मैं दिखाता हूँ वापस, अभी जो ब्लास्टिंग हो रही है ना दो जगह पे हो रही है, एक तो वहाँ पे कहीं तो मतलब दत्त मंदिर के यहाँ पे उधर, और एक हो रही है ये पहाड़ में। तो यहाँ पे जो ब्लास्टिंग होती है वो बहुत ज़ोर से, जैसे आपको अभी जो झटका मिला ना मतलब सुना है मैंने, वो यहाँ की ब्लास्टिंग की वजह से है। और यहाँ की ब्लास्टिंग का सिर्फ वाइब्रेशन आता है क्योंकि वो ऑलमोस्ट 100 to 150 फीट्स नीचे हो रही है, तो उसका इतना वाइब्रेशन नहीं है। वो 1 किलोमीटर है लेकिन वो जाने वाला है इधर से ही, मतलब ये इधर से ही पास होने वाला है। तो अभी पता नहीं यहाँ पे जब आएगा तब मैं और अपडेट्स दे दूंगा आप लोगों को कि कितना और नुकसान होता है या फिर कितना और वाइब्रेट होता है। इसको तो अपन लोग अपोज नहीं कर सकते, करेंगे तो भी क्या। अभी आधा हो चुका है काम, आधा नहीं मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारा खोद के हो गया है उन लोगों का, कुछ नहीं कर सकते। ये फुटेज देखो आप लोग टनल का, अभी तक तो कोई भी न्यूज़ नहीं आई है मतलब डिसीजन से रिलेटेड। पता नहीं आज लगेगा भी या नहीं, क्योंकि एक भी न्यूज़ अभी तक तो नहीं आई है, सिर्फ कोरोना 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 ही चालू है सब जगह पे। तो पता नहीं, वैसे मेरी 2 बजे मीटिंग है मतलब कॉलेज से आईवी जाने वाली थी, तो वो तो कैंसिल हो गई कोरोना की वजह से। तो इंडस्ट्रियल विजिट ऑनलाइन ही एडजस्ट की है उन लोगों ने, तो हुआ तो दिखा दूंगा आप लोगों को। वैसे अभी मैं खाना खाऊंगा फिर ही आप लोगों से आराम से मिलता हूं मैं अब। तो भाई साहब मीटिंग चालू हो चुकी है मतलब यहाँ पे, और अभी ये मीटिंग चलेगी 4:30 तक, तो देखते हैं कैसे जाता है क्योंकि मुझे तो अभी से नींद आ रही है। तो अब जाके मीटिंग खत्म हुई है, मतलब मैं बोल रहा था 3 घंटे चलेगी लेकिन 1.5 घंटा ही चली लकीली। तो यही सब था गाइस आज के वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, आप लोगों को सबको पता है क्या करना है। अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए, क्योंकि एंगेजमेंट ज़रूरी है, लाइक करना है या तो फिर डिसलाइक करना है या तो फिर कमेंट करना है या तो फिर शेयर करना है या तो फिर सब्सक्राइब करना है, सब कुछ करो। तो मिलते हैं ऐसे एक नए और अलग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, और सबसे ज़्यादा अपने घर वालों का ख्याल रखें क्योंकि उनसे ज़्यादा बढ़कर कोई भी नहीं है। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ हेमंत राउत, बाय बाय। लाइक शेयर कमेंट करके जाना।